जिसके मजेदार लेकिन मीडिया के लिए लो टीआरपी वाले मुद्दों के साथ एक बार फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी जरूरत आपको तो है लेकिन मीडिया को नहीं, क्योंकि उन्हें अभी धार्मिक मुद्दों में ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला मुद्दा जिसे मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा और उसका टाइटल है लाचार विपक्ष। बात जब विपक्ष की आती है तो दिमाग में कुछ वर्ड खुद ब खुद आने लगते हैं, जैसे बेचारा, लाचार और बेबस। इनका कोई पुरसा हाल नहीं है, सब अपने अपने दुख दर्द में खोए पड़े हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल के नेता करप्शन के बोझ तले दबे हैं तो बंगाल में दीदी की पार्टी के नेताओं का बुरा हाल है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और अभी कई ऐसी जगहों के नेताओं का शुद्धिकरण हो चुका है। ऐसे में आपको एक दिलचस्प रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीए गवर्नमेंट यानी कांग्रेस का शासनकाल 2004 से लेकर 2014 के बीच 72 ईमानदार नेताजी पर सीबीआई की जांच हुई, जिसमें 43 नेता विपक्ष के थे। 72 में 43, लगभग 62% विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापे पड़े, जिसकी वजह से उस टाइम का विपक्ष सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहने लगा था। जबकि अगर एनडीए शासनकाल यानी बीजेपी की सत्ता में देखें तो 124 ईमानदार नेताओं पर सीबीआई की जांच हुई और उसमें से 118 नेता विपक्ष के हैं। 124 में 118, करीब 95% विपक्ष के नेता सीबीआई के रडार में फंस चुके हैं। कहां 60 और कहां 95, फर्क समझ आ रहा है? और ये भी समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मायावती जी इतना खामोश रहती हैं, लेकिन फिर भी ममता दीदी ने कह दिया है कि विपक्ष पर ये जो सीबीआई और ईडी का कहर टूटा हुआ है उसके पीछे मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। आप समझ रहे हो ना, ये बात पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कही है। आज का दूसरा मुद्दा जिसका टाइटल है जहरीला कीड़ा। ये फोटो देखिए, इसमें दिख रहा कीड़ा इतना खतरनाक है कि जिसे काट ले वो बस 5 मिनट में मर जाएगा। इसलिए आपको अगर ये कहीं कीड़ा दिखे तो आप इससे बचें और घर में ही रहें तो ज्यादा सेफ रहेंगे। अगर इस तरह का कोई भी मैसेज आपके व्हाट्सएप पर अवतरित होता है तो भेजने वाले को आप ये वीडियो सेंड कर देना, क्योंकि ये कीड़ा तो सही है जो ज्यादातर गन्ने के खेत में या फिर बगीचों में पाया जाता है, लेकिन इसके काटने से या इसके टच हो जाने से सिर्फ थोड़ी बहुत खुजली होती है, इंसान मरता वरता नहीं है। हालांकि जिस तरह से इस फेक न्यूज को सर्कुलेट किया जा रहा है उसे देख के कई लोग दहशत में आके डिप्रेशन में जरूर चले जाएंगे, इसलिए किसी भी पोस्ट या मैसेज को शेयर करने से पहले एक बार गूगल जरूर कर लिया करें। आज का तीसरा मुद्दा जिसका टाइटल है सरतन से जुदा। ये एक ऐसा स्लोगन है जिसे आज के टाइम पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव बना दिया गया है। अक्सर खबरें आती हैं कि फला इंसान को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली हुई है। इसी तरह अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब अरविंद वत्स अकेला रोते हुए कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हुए कह रहे थे कि उन्हें सरतन से जुदा करने की धमकी दी गई है। उनके इस दावे के बाद लगभग सभी चैनल पर खूब हल्ला मचाया गया, मुसलमानों को जिहादी और पता नहीं क्या क्या साबित कर दिया गया। लेकिन बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि डॉक्टर साहब फेमस होना चाहते थे और खुद ये सारी कहानी बनाई थी, लेकिन मीडिया ने इस सच्चाई को नहीं दिखाया। इसी तरह कुछ दिन पहले एक लड़के के पिता को सरतन से जुदा के मैसेज भेजे गए और फिर उसके लड़के की लाश मिली, तब भी खूब बवाल मचा। न्यूज चैनल में बैठे एंकर बढ़िया पूरी मुस्लिम कम्युनिटी समूचे इस्लाम को कोसने लगे। बाद में मालूम चला कि लड़के ने कर्ज ले रखा था और कर्ज ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लिया, लेकिन उससे पहले खुद ही अपने पिता को मैसेज भेज दिए, जो बाद में हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन गया। बिल्कुल इसी तरह कुछ दिन पहले एक पत्रकार निशांत ने स्क्रीनशॉट दिखाते हुए कहा कि उन्हें सरतन से जुदा की धमकी दी गई है, जिसके बाद निशांत ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मीडिया ने फिर से वही किया जो वो मुसलमानों के साथ पिछले 8 साल से लगातार करती आ रही है। लेकिन अब ये रवैया क्रूर हो चुका है और फिर वही हुआ, मुस्लिम मुस्लिम, इस्लाम जिहादी, फलाना ढिमकाना और हमेशा की तरह वन साइडेड लोग ट्वीट पे ट्वीट ठोकने लगे। लेकिन पत्रकार निशांत मामले में भी पुलिस जांच में सामने आया कि निशांत को धमकी देने वाला कोई मुसलमान नहीं बल्कि इन्हीं के जान पहचान का कोई प्राण प्रिय वत्स था, जबकि इन सभी मामलों पर मुसलमानों को लेकर अच्छी खासी नफरत फैलाई गई, लेकिन इनका मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं था और ना ही इसका सच मीडिया उतने उत्साह से दिखाता है, बल्कि दिखाता ही नहीं और ना ही अपने किए पे शर्मिंदा होता है और माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि
मुसलमान इतना आसान चारा बन गया है जिससे बहुतों का पेट पल रहा है और बहुत से लोग फेमस होने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इस मामले में मुस्लिम इन्वॉल्व नहीं है, वो भी है, लेकिन जो है सजा उन्हें मिलनी चाहिए, पूरी कम्युनिटी को नहीं। जबकि माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जिसे देखो बड़ी आसानी से मुसलमानों को कुछ भी कह के निकल जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई एक्शन होता ही नहीं। आज का चौथा और सबसे जरूरी मुद्दा, जिसका टाइटल है किसने क्या दिखाया, देश की महान मीडिया आपके मुद्दों को किस तरह अवॉइड और कैसे प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रही है, अब आप उसे देख लें। कल के प्राइम टाइम न्यूज के कुछ मुद्दों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी एंकर अमीश देवगन का शो आर पार, जिसका कल का टॉपिक था कट्टरपंथ के खिलाफ हिजाब क्रांति, मुद्दा वही हिंदू मुसलमान। दूसरे हैं अमन चोपड़ा, नाम में अमन है लेकिन स्वभाव से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। शो करते हैं देश नहीं झुकने देंगे, कल का टॉपिक था दिल्ली में शराब चोर वर्सेस मक्खन चोर, और एक बार फिर से विपक्ष की खाट खड़ी कर दी गई। तीसरी हैं अदिति त्यागी, शो करती हैं देशित, कल का टॉपिक था निजाम पर तनाव, मुद्दा वही कम्युनल हिंदू मुसलमान लेकिन शो का नाम देशहित। एक और महान योद्धा है अंजना ओम कश्यप, शो का नाम हल्ला बोल, कल का टाइटल था नैया कांग्रेस की नैया, और एक बार फिर विपक्ष ही टारगेट पर। इसी तरह से आप किसी भी गोदी एंकर का शो देख लीजिए, या तो वो मुसलमान मुसलमान करेगा या फिर विपक्ष की वाट लगाएगा। ये है गोदी मीडिया के हालात। गोदी एंकरों के नाम तो बहुत हैं लेकिन हाल सबका एक ही है। अब इसमें आपका मुद्दा कहां है वो आप खुद ही तलाश लेना, मिल जाए तो समझ लेना कि बस आप ही हो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।